साहेबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना अंतर्गत बिहार झारखंड चेक नाका पर लगातार हो रहे अवैध वसूली, राजस्व चोरी एवं पत्थर माफियाओं द्वारा मनमानी के खिलाफ बोरियो विधायक लोविन हेम्ब्रम ने बुधवार देर रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए चेक नाका पर जा बैठे और पूरी तरीके से आवागमन को बाधित कर दिया। मौके पर विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से अवैध वसूली, राजस्व की चोरी हो रही है वह बड़ी बात है और यहां के प्रशासन नींद में सोई हुई है। अगर प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं करती तो मेरे द्वारा जन आंदोलन कर पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जाएगा। हम क्यों जाएं? हम बीजेपी हमारा चेक पोस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपना व्हाट्सएप में भेज देंगे। और इतना अच्छा कहीं नहीं हो रहा है, इतना अच्छा कहीं नहीं हो रहा। कोड होता है उसको सर्टिफिकेट देने वाला, उसको जहाँ जहाँ अभी जितने लोगों का जमीन है ठीक है कोई दिया, लेकिन दूसरे का जमीन का क्यों हानि होगा? दूसरे का जमीन को क्यों क्षति पहुँचेगा? अभी हम गए थे वहाँ कौन क्या होता मतलब भगिया बारी में अभी जो सबसे अपने आप को बोलता है, लोग भी बोलते हैं मुंगरी लाल बोला कि सर हम सांप अभी वहाँ पकड़े लगाए हुए है, साफ करवा रहा है। हम बोले साफ कराने से नहीं होगा, उसका जितना क्षतिपूर्ति हुआ है कितना सालों का क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। और हमने डीसी से बात किया और डीसी साहब को हमने कहा कि प्लॉट में हम लोग फैसला करेंगे। कल 1:30 बजे का डीसी साहब को हमने प्लॉट टाइम दिया है और जमीन से संबंधित जितने लोग हैं वो लोग को आना पड़ेगा और कल हम वही फैसला करेंगे। अभी एसडीओ साहब बोले कि हम आ रहे हैं, आएगा ठीक है, नहीं आएगा वो भी ठीक है, लेकिन सरकार में है हम माननीय मुख्यमंत्री को बोलेंगे। उन्होंने कहा था कैसे ऐसे लोगों पर हम लाल सिहाई चलाएंगे। सर ये मुद्दा को तो विधानसभा में भी उठाया जा सकता है? विधानसभा में तो उठाएंगे ही, विधानसभा में उठाने के पहले हम जन जागरण अभियान किए हैं और हम वाजिब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम गलत हैं, लॉबिंग हम रहे अगर गलत है तो ये सरकार और ये प्रशासन हम पर FIR करे, हम पर केस करे, हम देखने के लिए तैयार हैं। क्या हम गलत बात बोल रहे हैं जी? अरे तुम्हारा माँ बहन सारा एसी में रहेगा और हमारा माँ बहन को धूला चटाओगे? लॉबिंग हम बर्दाश्त नहीं करने वाला है। थैंक यू।